400 पर हेड है और सिर्फ ड्यूरेशन 5 मिनट की है। जर्नी ऑफ ट्रैवल एंड फूड। और गाइस आज सबसे यूनिक चीज ये होने वाली है कि मैं आज फोन से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। हमने लिया है आईफोन 14 और मेरा पहला आईफोन है और मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। 14 लिया है, 2 दिन हुए लिए हुए, तो मैंने कहा क्यों ना आज हम जो अपना ब्लॉग है ना वो इसी पे रिकॉर्ड करते हैं। कोई कैमरा नहीं, कोई कुछ नहीं, एक तरह से एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको बताएंगे कि 14 में कैसी वीडियो बनती है, ब्लॉग कैसे बनता है। और अभी जो हूँ मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ और अभी मैं जाने वाली हूँ एक ऐसे यूनिक मॉल जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। ये है ग्रैंड वेनिस मॉल और इसका जो थीम है वो वेनिस पे है, पूरा वेनिस जैसा है। बहुत जो बहुत मूवी शूट्स हुए हैं वहाँ पे, आपके लिए बहुत नया आने वाला है, मेरे लिए बहुत नया आने वाला है। तो चलो इकट्ठे चलते हैं सारे और एक्सप्लोर करते हैं वो मॉल, कुछ खाते पीते हैं और चलते हैं। ठीक है, बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें अगर हम मिस कर दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, नोएडा से मेट्रो पकड़नी है और आपने उतरना है परी चौक, और परी चौक से आपने आना है गेट नंबर 1 पे। वहाँ से ऑटो वाले से बात करिएगा, अगर तो वो आपको 50-60 रुपए में पहुँचा दे तो बढ़िया, अगर नहीं है तो ओला कर लो जैसे मैं कर रही हूँ। ओला वाले का वेट कर रही हूँ, अभी तक आया नहीं है, वो मत दीजिएगा अगर ज़्यादा बोले, थोड़ी बार्गेनिंग करिएगा। और यहाँ से आई थिंक 10 मिनट का रास्ता है आगे, वेट करते हैं। मौसम थोड़ा धूप और थोड़ा सा बारिश वाला टाइप हो रहा है, पर धूप है। नाल राइड बोल लीजिए, पर अभी यहाँ पे कोई कर नहीं रहा है, पर आप यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। मैं एक बार पूछती हूँ कि क्या हिसाब रहता है, फ्री रहती है बोटिंग या आपको पे करना होता है, कितना पे करना होता है, वो मैं वीडियो में बताती हूँ। फिलहाल थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है पर बहुत सुंदर है। मैंने पहला कुछ ऐसा मॉल देखा जो ऐसा थीम किसी पर्टिकुलर थीम पर बनाया गया है, और समझ। तो गाइज मैंने जाके पूछा इनसे कि प्राइस क्या है, तो 400 पर हेड है वीकेंड्स पर, और वीक डेज में 300 रुपीज़ पर हेड है और सिर्फ ड्यूरेशन 5 मिनट की है। मतलब 5 मिनट में आपको सेमी सर्कल घुमा के बस जी आपका हो गया गंडोला राइड। मतलब मॉल में है तो इसीलिए इसके रेट्स इतने हाई फाई हैं, मैं तो नहीं लूँगी मैं कुछ खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खा लेना चाहिए, इससे अच्छा मैं गंडोला राइड लूँ। पर यहाँ पिक्चर्स क्लिक करवा ली है ढेर सारी, अच्छा है व्यू, अच्छा है और सेमी सर्कल है, मतलब हाफ मॉल कवर करेगा ये। तो चलो चलते हैं, कभी आ रहे हो ट्राई कर सकते हो, मेरा मन तो नहीं है, मुझे वर्थ नहीं लगा इतना, आपका है, आप आए तो ट्राई कर सकते हैं। ग्रैंड वेनिस मॉल है ग्रेटर नोएडा का बिगेस्ट शॉपिंग मॉल, और ये जैसे मैंने बताया ये इटालियन थीम्ड वेनिस का जो है उस थीम पे पूरा मॉल बनाया गया है। यहाँ पे कनाल आप गंडोला राइड ले सकते हैं, गेमिंग जोन भी है जो हम आगे वीडियो में देखेंगे, शायद इनके पास ढेर सारे पैसे हैं पर हमारे पास इतने नहीं है। कोई नहीं, हम कुछ खाने पे नॉइस करेंगे, ये बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख रह गई। गाइस मैं ना लखनऊ गई थी और मैं लखनऊ में अपनी जीन्स छोड़ आई, तो मैक्स दिखा मुझे, मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं अपनी कोई ब्लैक जीन्स ले लूँ, मैं ब्लैक जीन्स बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा। सो ब्लैक जीन्स ढूंढते हैं अच्छी सी, अच्छा खासा ऑफ लगा है यहाँ पे।
जब मैं यहाँ पे आई और मैंने यहाँ इंटीरियर पूरा देखा तो मुझे पता चला कि यार यहाँ पे ना मूवी शूट भी हुए हैं, बहुत पंजाबी गाने भी शूट हुए हैं। अगर आपको पता है ना तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन सा गाना शूट हुआ है। बड़ा ही ज़्यादा फेमस गाना है वो, कुलविंदर बिल्ला आई थिंक उन्हीं का है। और खाने फूड कोर्ट बहुत बड़ा था यहाँ पे, मतलब आप कहीं भी फैल कर बैठ सकते हैं, इतना बड़ा फूड कोर्ट था। और मेरी नज़र पड़ी ग्रिलन पे, जहाँ का अच्छा ऑफर चल रहा था, तो मैंने पिज्ज़ा खाया वहाँ पे। यहाँ पे आके बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। पहला तो मैंने बता दिया, ढेर सारे पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं क्योंकि इतना सुंदर इसका एम्बियंस है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप गंडोला राइड ले सकते हैं जैसे मैंने बताया। तीसरा, यहाँ का फूड कोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत ऑप्शंस हैं, अच्छे से रज के खा सकते हैं। और यहाँ पे गेमिंग जोन है यहाँ पे, तो आप अगर अपनी फैमिली बच्चों के साथ या आप खुद जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे एडवेंचर पार्क भी है, स्नो पार्क भी है, जहाँ पे -12 डिग्री जो है टेम्परेचर होता है, मतलब पार्क के अंदर। जाना चाहते हो तो जा सकते हो यहाँ पे। अगर आप कभी नोएडा आ रहे हैं या ग्रेटर नोएडा जाने का प्लान है और पता नहीं चल रहा है कि यार कहाँ जाएं, तो इस जगह को अपने लिस्ट में पक्का रखें। एकदम बढ़िया जगह है फ्रेंड्स या फैमिली के साथ हैंग आउट करने के लिए। चलो मैं खुद ही बता देती हूँ। यहाँ पे ना कुलविंदर बिल्ला का प्लाजो सॉन्ग जो है, जिसमें हिमांशी खुराना है, वो वाला गाना यहाँ पे शूट हुआ था। तो गाइज, ये था आज का वीडियो। वैसे यहाँ से निकल के हम गए थे नोएडा का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने। बहुत कुछ है यार, मुझे नहीं पता था कि नोएडा में इतना अच्छा स्ट्रीट फूड है। पर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, हम जल्दी एक नया अलग से व्लॉग लाएंगे नोएडा का स्ट्रीट फूड के लिए। और हाँ, बहुत देर बाद व्लॉग आया है इसलिए एक छोटा सा व्लॉग था ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ जाके लाइक कर दे यार, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि बड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। शॉर्ट्स की तो सीरीज चल रही है, अब जो लॉन्ग वीडियोज़ है वो भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। सो मिलते हैं जल्दी। बाय, टेक केयर, सी यू, ध्यान रखिए अपना।